एनवायरनमेंट में मैं पली बड़ी हूँ, वहाँ पे जो जिस तरह का माहौल था, मेरे घर में इतना, पूरे घर की इतना घस घस के सफाई करते हैं हर वीकेंड पे, और उसका सारा कचरा घर के बाहर फेंक देते हैं। तो इसी तरह से मेरे पापा, जब हमने शुरू में एक चैप्टर पढ़ा था, मैं 8-9 साल की थी, कि कैसे जो गंदी गंदगी बाहर फेंकता है वो बेसिकली गंदा इंसान होता है, तो आई वॉज वेरी अफेक्टेड विद दैट थिंग। फिर आई रिमेम्बर कि एक बार मेरे पापा गाड़ी साफ कर रहे थे, तो उन्होंने सारे चिप्स के पैकेट गाड़ी से बाहर निकाल के वो जिसमें कारपेट्स को साफ कर रहे थे। सो ऑब्वियसली मुझे लगा कि किताबों में लिखी हुई बातें तो एकदम बकवास है, क्योंकि पापा तो कितना इजीली गाड़ी को साफ कर दिए, और फिर मैंने सोचा नहीं कि बाहर व्हाट हैपन टू द एनवायरनमेंट। सो आई ग्रू अप इन दैट एनवायरनमेंट, बट जैसे कि मैंने कहा कि ग्रोइंग अप मेरी आदतें और खराब हो गई। आई वॉज वेरी लेजी, और मुझे नहाने से बिल्कुल नफरत थी, और जब भी मेरे नहाने की टर्न होती थी, आई यूज टू बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आई वॉज इन अ जॉइंट फैमिली, कि कोई वो टर्न ले ले। एंड आई बिकेम क्वाइट अ स्लॉव, एंड लाइक आई सेड, नथिंग गुड हैपन टू मी इन दैट टाइम, यू नो। और उसके बाद जैसे जैसे मैं, मेरा इंटरेस्ट चेंज हुए, और जिस तरह से मैंने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा योग में इंटरेस्ट लिया, और मैंने वेदांता की स्टडी की, और मैंने बहुत ज़्यादा स्वामी विवेकानंद को फॉलो किया, तो उसमें जब भी मैंने एक चीज़ जो सबसे पहले अपनाई, वो कि मैं कैसे अपनी एनर्जीज़ को, कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करूँ, और मुझ में क्या क्या कमियाँ हैं जिनको मैं सुधार सकती हूँ। तो वो सबसे पहला, उसके कई लेवल होते हैं, जैसे कि एक आपका एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल एनर्जी क्लीनलीनेस होती है, यू नो। तो व्हेन आई स्टार्टेड विथ यू नो एक्सटर्नल क्लीनलीनेस, हमें अब पीछे नहीं रहना है, क्योंकि और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इतने बेसिक लेवल पे जो है इस चीज़ को पकड़ा, और इस कमज़ोरी को डायरेक्ट अटैक किया। और जो हमें, ठीक है, हम लोग बहुत ही बड़ी डेमोक्रेसी हैं, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, आज हम लोग समाज में बहुत ही एक उन्नत जो देश है, जो कि इज बिकमिंग अ वेरी बिग पावर लाइक यू सेड, उस तरह से देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग सफाई नहीं रखेंगे, चाहे वो अपने वातावरण की हो या अपने चरित्र की हो, हमें इज्जत नहीं मिलेगी, उन्नति जो है मिल ही जाए। तो हमारे लिए इज्जत भी इतनी जरूरी है जितनी की उन्नति।